हेलो हेलो साउंड शेक साउंड शेक आवाज़ आ रही है यस yes. चलो बच्चों सब बच्चे फटरा बता दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही है क्या ऑडियो ऑडियो सब परफेक्ट एकदम ओके okay. यूट्यूब पे पूरा एकदम परफेक्ट है यस yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो फटाफट आ जाओ चलो फास्ट फास्ट ज्वाइन हो जाओ फटाफट लेटेस्ट स्टार्ट शुरू कर लेते हैं पीडीएफ पेड़ा मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया इंस्पायर का जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दिया है थोड़ा स्क्रीन थोड़ा फ्लिक ये हो रहा है ना थोड़ा सा थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है ना स्क्रीन ठीक है स्क्रीन दिख रहा प्रॉपर ओके okay. चलो बच्चो वन सेकेंड गुड इवनिंग चलो सर स्टार्ट कर लेते तो हैं फ़ड़, okay. हमने चैप्टर स्टार्ट किया कंसोल्टेशन राइट ना मुझे बताओ कि सबको कंसोल्टेशन का बेसिक याद आ रहा है क्या ओके okay. बताओ सर कंसोल्टेशन इज ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी देखो जिस कंपनी के पास सामने के आधे ज्यादा शेयर है जिसके पास सामने आधे ज्यादा शेयर है उसे हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और दूसरी बड़ी क्या होता है सब्सिडरी कंपनी सर ऐसा कहा जाता है ईयर ER के एंड में होल्डिंग कंपनी अपनी खुद की क्या बनाती है बैलेंस शीट सर ईयर के एंड में होल्डिंग कंपनी अपनी की बनाती है बैलेंस शीट और सब्सिडरी कंपनी भी अपनी की बनाती है बैलेंस शीट और दोनों मिला के दोनों मिला के एक बैलेंस शीट बनाते, जिसका नाम होता है, sheet, जिसका नाम क्या था है? सर देखे, कल मैं देखा था, prepare, याद आ रहा है सबको? मुझे कौन बनाता है होल्डिंग so कंपनी एक बार रिवाइज करते हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बताइए बनाने के लिए सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे एसेड रूल क्या है? एसेट मैसेड एड रूल क्या है एसेट मैसेड एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट पक्का फिर क्या करेंगे सर लाइब्रिट लाइब्रिटी एड लाइब्रिट लाइबिटी एड एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पीएनएल ये तीन बातें किसकी आएंगी होल्डिंग की किसकी नहीं आएगी सब्सिडी किसकी आएगी होल्डिंग किसकी नहीं आएगी उसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट हम नोट कितने बनाते दो नोट कितने बनाते दो नोट नंबर वन से हम लोग क्या निकालते इंट्रेंसिक वैल्यू दोबारा बताइए नोट वन से क्या मिलेगा वैल्यू मतलब क्या कितना मिलेगा किसको होल्डिंग को क्या करके सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके सर सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके जितना होल्डिंग को मिलेगा उसे क्या बोलते इंट्रेंसिक वैल्यू आप बताइए होल्डिंग को क्या क्या मिलेगा शेयर कैपिटल मिलेगा जनरल रिजर्व मिलेगा पीएनएल मिलेगा किसका मिलेगा सब्सिडरी का किसको मिलेगा होल्डिंग को तो जो होल्डिंग को मिलेगा सर जो होल्डिंग को मिलेगा वो होल्डिंग के इंट्रेंसिक वैल्यू फिर नोट नंबर टू में हम लोग क्या करेंगे सर नोट नंबर टू में हम लोग क्या करेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू को कंपेयर किससे करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से नोट नंबर टू में इंटरनसिक वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उससे क्या मिलेगा अपने को प्रॉफिट लॉस अगर प्रॉफिट हुआ तो नाम क्या है कैपिटल रिजर्व वो जाएगा बैलेंस शीट लाइब्रिटी में और लॉस हुआ तो नाम क्या है गुडविल वो जाएगा बैलेंस शीट एसिड में उससे टैली होगी आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यस सबको समझ में आ रहा है कोई तकलीफ यार चले शानदार आगे बढ़ना चलेगा अब सर एक चैप्टर में कल तीन बेसिक क्वेश्चन किए थे सारे टाइम पास क्वेश्चन थे ओके okay. आज बेटा अपने को सबसे मेन पार्ट शुरू करना है कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये क्या होता है समझिए बच्चों कल हमने जो क्वेश्चन किए थे ना सर कल हमने जो क्वेश्चन किए थे कल के समय हमने सब बिलीव किया था कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी के सारे के सारे शेयर एक्वायर के कल के समय हमने क्या बिल्यू किया था होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के सारे के सारे मतलब हंड्रेड परसेंट शेयर एक्वायर के बड़े जरूरी है क्या हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी के आधे से ज्यादा शेयर एक्वायर करेगी पर हंड्रेड से कम तो आज हम सीखेंगे अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर एक्वायर किए, पर हंड्रेड से कम तो क्या होगा मान लीजिए आप एक सब्सिडी कंपनी हो बेटा आप कौन हो सब्सिडी कंपनी हो आपके शेयर्स में से बेटा मान लीजिए मुझे आपको होल्डिंग बनना है मुझे क्या बनना आपका होल्डिंग तब मुझे है सर मुझे आपका होल्डिंग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके आधे से ज्यादा मैंने आप कौन हो सब्सिडी कंपनी मैंने आपके सेवेंटी परसेंट शेयर के क्या अब मेरे पास आपके आधे से ज्यादा शेयर है क्या तब मेरा आपके ऊपर कौन है कंट्रोलिंग पावर है तो मैं आपकी कौन हूं होल्डिंग कंपनी मैं आपकी कौन हूं पक्का yeah. जरा यह होल्डिंग बनने की पहले की कहानी समझ के लेते हैं मान लीजिए तुम हो। पहले ना तुम्हारे शेयर तीन लोगों के पास थे ए बी और सी तुम्हारे शेयर किसके पास थे ए बी और सी ये आपके थे शेयर होल्डर आपके कौन थे सर yeah. ए के पास आपके फोर्टी परसेंट शेयर थे बी के पास आपके थर्टी परसेंट शेयर थे सर so, सी के पास आपके थर्टी परसेंट शेयर थे आप बताइए आप कौन हो सब्सिडी कंपनी आपके शेयर किस किस के पास है ए के पास है बी के पास है और सी के पास है आपके फोर्टी परसेंट शेयर किसके पास है ए के पास है आपके थर्टी परसेंट शेयर किसके पास है बी के पास थर्टी परसेंट शेयर सी के पास अब मैं क्या करता हूं मैं ए और बी से उनके शेयर खरीद लेता हूं ए और बी से उनके शेयर था अब मेरे पास कितने शेयर है फोर्टी या थर्टी है सेवेंटी परसेंट तो अब मैं क्या बन गया होल्डिंग अब मैं क्या बन गया होल्डिंग तो आप बताइए क्या आपके सारे शेयर मैंने अक्वर अरे हाँ कितने अक्वर 70 परसेंट। मतलब थर्टी परसेंट शेयर अभी भी सी के पास है तो मुझे बताइए आप सब्सिडी कंपनी हो अब आपके कितने शेयर होल्डर है अब आपके कितने शोल्डर है दो कौन को नू? होल्डिंग। मेरे पास कितने शेयर है परसेंट। मान लीजिए ये सी मतलब अपने मनोज भैया मनोज भैया के पास आपके थर्टी परसेंट शेयर मेरे पास कितने शेयर है सेवेंटी परसेंट मनोज कितने शेयर है थर्टी परसेंट पक्का अगर मान लीजिए आपकी कंपनी के लिए मैं कुछ आदेश देता हूं मिलता बच्चों आपको ना पूर्व में जाना है मनोज बोलता है बच्चों आपको पश्चिम में जाना है कहा भी जाओगे पूर्व में जाओगे पश्चिम में मेरी बात सुनोगे मनुष्य की बात सुनोगे मेरी क्यों मे होल्डिंग मे होल्डिंग मेरे पास आपके आदेश है ज्यादा शेर है मेरे पास क्या कंट्रोलिंग पावर है तो मेरी बात सुनोगे मैं कौन होल्डिंग तो मनुष्य बोलता है मेरे को दिश नहीं क्या बोले इज्जतरी बोला फिर मैं कौन हूं तो मनुष्य बोले मनोज देख भाई મેબી કંપની કા શેરહોલ્ડર તુબી કંપની કા શેરહોલ્ડર મેબી કંપની કા માલિકુ તુબી કંપની કા માલિક હે આપણ દોનો ભી કંપની કે શેરહોલ્ડર હે આપણ દોનો ભી કંપની કે માલિક હે બસ ફરક હે મેરે પાસ મેજોરિટી શેર હે તો મેં ક્યા કહા જાઉંગા હોલ્ડિંગ કંપની કહા જાઉંગા બટ तेरे पास મેજોરિટી શેર નહીં હે અબ મનોજ કે પાસ આધે સે જ્યાદા શેર હે કે આધે સે કમ શેર હે जिनके पास आधे से कम शेयर है उन्हें हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी होल्डर क्या बोलते हैं सर जी माइनॉरिटी होल्डर तो सर मनोज को ने माइनॉरिटी होल्डर तो इन शॉर्ट कैन आई से दैट सब्सिडी कंपनी के अब दो मालिक है yeah. सब्सिडी कंपनी कितने मालिक है दो जिनके पास सब्सिडी कंपनी के सेवेंटी परसेंट शेयर है मोर देन फिफ्टी परसेंट वो कहे जाएंगे होल्डिंग और जिनके पास आधे से कम शेयर है वो कहे जाएंगे माइनॉरिटी होल्डर कैसा कल था क्या तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी सब में आएंगे माइनॉरिटी होल्डर तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर करना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओके बेटा जी तो सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझने के लिए अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा दो फेमस शख्सियत से वो दो फेमस है आशा और बिपाशा मिलना है मिलना चाहोगे पक्का आशा बिपाशा दोनों से मिला हूं ना आप लोगों को ओके okay, उसके लिए आपको पढ़ना है कंसेप्ट क्वेश्चन फोर क्या बात है वेरी गुड खुश बहुत होंगे आज तुम लोग ओके okay? चलिए अब सब बच्चे कंसेप्ट क्वेश्चन फोर को पढ़ेंगे बस क्वेश्चन पे ध्यान देना आशा विभाष पर ध्यान मत देना जूम करू अभी ठीक है अमाउंट इधर गए अरे अरे नोट्स इसमें बहुत ही गड़बड़ कैसे में शेयर कैपिटल यहाँ पे कितना दस लाख है ना और यहाँ पे क्या है आठ लाख है सही है क्या कितना है चार लाख और दो लाख सही है क्या बिल्स पेबल एटी थाउजेंड और नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं बिल पेबल इधर का एक लाख चालीस हजार है इसका बिल पेबल एक लाख चालीस हजार है इसका बिल पेबल एक लाख चालीस है और ये टोटल जो है ना एस बैलेंस शीट का इसके बैल इसके लाइब्रेटी का टोटल है फोर्टीन लाख एट्टी थाउजेंड और इसका टोटल है टेन इलेवन लाख फोर्टी थाउजेंड समझा क्या बेटा ये क्रेशन करके लो बाकी मशीन ठीक है एसेड का सम ठीक है ना एक बार एसेड का टोटल हाँ मैच हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं ठीक है ना हो गया करेक्शन वही ना क्वेश्चन हाँ डन करेक्शन हो गया बेटा जी करेक्शन देख लिया ओके okay. चलो सर सब को पढ़ लिया क्या आप लोगों ने देखो सभी सब को समझ लेते कितने कंपनी सर जी दो कौन कौन से आशा और बिपाशा आशा और बिपाशा होल्डिंग कौन है सब्सिडी कौन है नहीं पता अपने को पहचाना पड़ेगा तो सबसे पहले दोनों का क्या दिया है शेयर कैपिटल कितना शेयर कैपिटल है दस लाख और क्या है आठ लाख दोनों का क्या दिया है पीएनएल कितना दिया चार लाख और दो लाख दोनों का क्या दिया बेलिस पेबल कितना दिया एड और वन लैख फोर्टी थाउजेंड समझा क्या बेटा बाद में क्या दिया सर जी एसिड एसिड में क्या दिया मशीन फिर कौन है फर्नीचर फिर कौन है बताया क्या इन्वेस्टमेंट ये कौन है इन्वेस्टमेंट है किसने इन्वेस्ट किया है आशा ने किसके शेयर में बिपाशा फिर से बताइए किसने इन्वेस्ट किया आशा ने किसके शेयर में Bipasha के अगर आशा ने इन्वेस्ट किया है तो क्या ना इसे आशा को ने होल्डिंग कंपनी किसके शेयर में इन्वेस्ट किया है Bipasha. तो सब को ने सब्सिडरी कंपनी समझा क्या फिर से बताओ सर किसने इन्वेस्ट किया है आशा ने आशा को ने होल्डिंग किसके शेयर में इन्वेस्ट किया है बिपाशा बिपाशा को ने सब्सिडरी सबको समझ में आ रहा है क्या ओके यहां तो कोई दिक्कत बेटा तो सबसे पहले क्या समझ के लिए होल्डिंग कोने है और सब्सिडी कौन है रहा है क्या जिसके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है उसने इन्वेस्ट किया है जिसने इन्वेस्ट किया वो क्या होता है होल्डिंग दूसरा कौन होता है सब्सिडी बाद में क्या बोला है? आशा लिमिटेड परचेस सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर बिपाशा अरे बाबा आशा मतलब होल्डिंग ने बिपाशा के कितने शेयर के सेवेंटी फाइव परसेंट आशा मतलब आशा मतलब होल्डिंग ने बिपाशा के सारे शेयर ये सेवेंटी फाइव परसेंट अब बताओ बच्चों बिपाशाह मतलब सब्सिडरी कंपनी के शेयर में सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर किसके पास है आशा के पास है तो आशा कौन होगी होल्डिंग कंपनी पच्चीस परसेंट शेयर जिनके पास भी है कौन नहीं नाम नहीं पता किसके शेयर है बिपाशा कई बिपाशा के 75 शेयर किसके पास है आशा के पास है वो होगी होल्डिंग 25 शेयर। जिनके पास भी है। उनके पास आधे से ज्यादा शेयर कम शेयर वो कहे जाएंगे माइनॉरिटी होल्डर अब बताओ ये सम बेसिक समय या माइनॉरिटी वाला समय पक्का बेटा जी या yes नो no? अब क्वेश्चन में क्या है? आशा ने बिपाशा के कितने शेयर एक्वायर किए सेवेंटी फाइव परसेंट वो भी कितने किए सर जी सात लाख रुपए में क्या के एक्वायर तो क्या ना इसे आशा ने बिपाशा के शेयर में सात लाख रुपए क्या क्या इन्वेस्ट किया वो तो हमको पता ना बैलेंस शीट से एंड यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सब बच्चे मुझे ईमानदारी से बताएंगे क्या सबको क्वेश्चन का मीनिंग समझा क्या बोलाया ना पक्का अब देखो साहब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए वह टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्वेश्चन कौन सा है सेप्ट क्वेश्चन फोर हम लोग बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब दस मिनट के लिए पूरा धन देंगे कुछ भी लिखने की बात नहीं बैठे कुछ लिखने का नहीं है कोई कुछ लिखेगा नहीं पूरा फोकस करेंगे एसेट और सब बाद में क्या है लाइबिटी एसेट और कोने सर जी लाइबिटी ओके okay. फोकस करेंगे ठीक है हमें बनाने के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मेरा पहला सवाल है कंबाइंड बैलेंस शीट कौन बनाता है होल्डिंग कंपनी ओके कंबाइंड बैलेंस शीट बनाने के लिए शुरुआत से करेंगे एसेड शुरुआत से करेंगे? एसेड रूल क्या है? एसेड में एसिड एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट देखो सर कल के सम माइनॉरिटी होल्डर के नहीं थे बेसिक सम थे आज के समय किसके माइनॉरिटी होल्डर के, के. सब में भले माइनॉरिटी हो या फिर ना हो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या रहेगा सेम जैसे कल क्या था सेम में से करेंगे फिर से बताइए रूल क्या मतलब बच्चों एसेट में एसेट एड एक्सेप्ट एसेट में एसेट एड एक्सेप्ट क्या है इन्वेस्टमेंट बोलो सर एसेट में सबसे पहले क्या है मशीनरी सबसे पहले क्या है मशीनरी अब देखो सबको लिखना कैसे सर आशा कंपनी क्या करेगी आशा क्या करेगी अपने मशीन में बिपाशा का मशीन क्या करेगी एड बोलो सर आशा के पास कितना मशीन है तीन लाख का बिपाशा के पास सर आशा के पास कितना मशीन है तीन लाख है तो आशा कंपनी क्या करेगी अपने मशीन में बिपाशा का मशीन क्या करेगी एड कितना सर फाइव लाख एटी थाउजेंड कोई दिक्कत यार सबको लिखने का तरीका समझ में आ रहा है क्या ये आशा बिपाशा का इंडिविजुअल अमाउंट लिखना है इनर कॉलम में टोटल लिखना आउटर कॉलम में ये प्रेजेंटेशन मस्त है बेटा ऐसा पहले मशीन में मशीन ऐड किया फिर फर्नीचर अब सर क्या होगा आशा कंपनी क्या करेगी अपने फर्नीचर में बिपाशा का फर्नीचर क्या करेगी ऐड बोलो सर आशा के पास कितना फर्नीचर है सर आशा के पास कितना फर्नीचर है फिफ्टी थाउजेंड और बिपाशा के पास ये दोनों क्या करेंगे एड कितना है गया सर जी सेवेंटी थाउजेंड कोई दिक्कत उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे डेटर्स अब सर आशा कंपनी क्या करेगी अपने डेटर्स में बिपाशा के डेटर क्या करेगी एड क्वेश्चन देखिए बताओ आशा के पास कितने डेटर्स है तीन लाख तीस हजार और बिपाशा के पास एट लाख ओके अमन शोर ना ठीक है कितना इसके था इसके बाद तीन लाख कितना था आर ना बिपाशा के पास एट लाख अब क्या करेंगे ऐड करो कितना आएगा इलेवन लाख थर्टी थाउजेंड कोई दिक्कत ठीक है डिट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट कौन है बच्चों उसके बाद नेक्स्ट कौन है सर जी बिल सॉरी पास कौन है शेयर सीन बिपाशा ये शेयर सीन बिपाशा का मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे रूल क्या एसेड मैसेड एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं जो चीजें यहां पे नहीं आएगी कंबाइंड बैलेंस शीट में ये सारी बातें कहां पे आएगी वर्किंग नोट में कल का पाठ याद आ रहा है क्या पक्का उसके बाद नेक्स्ट हम कहां पे जाएंगे बिल रिसेबल वो दोनों का एड करेंगे आशा कंपनी क्या करेगी अपने बिल रिस में बिपाशा का क्या करेगी एड तो आशा के पास कितना बिल रिसबल है वन लैख बिपाशा के पास तो बिल में बिल क्या करेंगे एड सर कितना आएगा बताइए एक लाख चालीस हजार नहीं समझा सर फिर से बताइए सबसे पहले शुरुआत कहां से किया एसेड से एसेड में एसेड एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट कोई तकलीफ फिर हम कहा जाएंगे लाइबिटी चलो सब बच्चे बताएंगे मुझे लाइबिटी का रूल क्या है लाइबिटी में लाइबिटी एड एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व और पीएनएल ये तीन बातें किसकी आएंगी होल्डिंग की किसकी नहीं आएगी फिर से लो ये तीन बातें किसकी आएगी होल्डिंग की किसकी नहीं आएगी पक्का बेटा सबसे पहले बताओ कौन है शेयर कैपिटल किसका आएगा होल्डिंग मतलब आशा का फिर से बताओ सर शेयर कैपिटल किसका आएगा होल्डिंग मतलब आशा का कितना शेयर कैपिटल है दस लाख पक्का नेक्स्ट कौन है बताइए पीएनएल सब पीएनएल किसका आएगा होल्डिंग मतलब आशा कितना आएगा चार लाख उसके बाद नेक्स्ट कौन है बिल्स पेबल किसका आशा का का, दोनों का बोलो सर आशा के पास कितना बिल पेबल है एपाशा के पास कितना बिल पेबल है सही ना यार? दोनों का सम कितना आ रहा है टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड होगी लाइब्रिटी साइड इसमें कोई तकलीफ चलो सबको इसमें कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या बोलो सर पहले क्या क्या एसेड मैसेड एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट लाइबिट लाइबिटी एड एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरेजर पीनल किसका लिया होल्डिंग का किसका नहीं ये पर कल भी डिस्कस किया था वही फॉर्मेट था अब मेन ट्विस्ट आएगा वर्किंग नोट में अब मुझे बताइए कल आपने कितने वर्किंग नोट बनाए थे दो नोट वन में क्या निकाला था वैल्यू नोट नंबर टू में क्या क्या था इंट्रेंसिक वैल्यू को कंपेयर किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उससे क्या मिला था गुडविल और कैपिटल रिजोर्व याद आ रहा है अब मुझे आता है कल का बेसिक क्वेश्चन था या आज का बेसिक क्वेश्चन है या माइनॉरिटी का सम है सर जब भी सम आएगा माइनॉरिटी होल्डर का समझिए जब भी सम आएगा माइनॉरिटी होल्डर का तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए हम लोग बनाएंगे तीन वर्किंग नोट मैं दोबारा बता रहा हूं बेसिक सम में अगर दो नोट बनाए थे जब भी सम आएगा माइनॉरिटी होल्डर का नोट कितने आएंगे तीन या आगे के हर करना मतलब कर रहा है फिर से बताओ सर नोट कितने आएंगे तीन सर, क्या फर्क पड़ेगा तीन नोट में नोट वन में सबसे पहले आएगा प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी सुनते जाओ मैं सॉल्यूशन से प्रॉपर लिख के बता दूंगा बोलो सर नोट कितने आएंगे तीन नोट वन में क्या लिखना है प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी किसका प्रपोर्शन होल्डिंग और माइनॉरिटी नोट नंबर टू में हम लोग निकालेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू एज यूजल नोट नंबर टू से क्या निकालेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू और नोट नंबर तीन में वही इंट्रेंसिक वैल्यू हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से उससे क्या मिलेगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक बार सब मैं लिख के बताता हूं तो सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी यस और नो बेटा अब बताओ सर नोट कितने बनाएंगे तीन अब बताओ सर नोट वन में सबसे पहले क्या आएगा? नोट वन में सबसे पहले क्या आएगा? प्रपोर्शन किसका प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग एंड प्रपोर्शन ऑफ माइनॉरिटी सबसे नहीं बेटा जी प्रपोर्शन ऑफ माइनॉरिटी मुझे बताओ सब्सिडी कंपनी के कितने मालिक हैं? कुछ शेयर किसके पास है होल्डिंग मतलब आशा के पास है और कुछ शेयर किसके पास है माइनॉरिटी होल्डर के पास है इसके लिए क्या देखना पड़ेगा प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग मतलब क्या आएगा आशा एंड प्रपोर्शन ऑफ क्या है माइनॉरिटी होल्डर आप बताओ कितना प्रपोर्शन है सब्सिडी कंपनी के शेयर में से फाइव परसेंट किसके पास है आशा के पास ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर किसके पास है माइनॉरिटी होल्डर के पास है पचहत्तर परसेंट आशा पच्चीस परसेंट माइनॉरिटी कोई दिक्कत तो नोट वन में क्या निकाला प्रपोर्शन सर नोट वन में क्या निकाला प्रपोर्शन सर नोट नंबर टू में क्या निकालेंगे अब यहां पे झोल होगा अब सबका ध्यान है क्या अब नेक्स्ट टू थ्री मिनट वेरी क्रिशियल नोट नंबर तीन में क्या निकाले एंट्रेंसिक वैल्यू एंट्रेंस वैल्यू का मतलब क्या है कितना मिलेगा किसको होल्डिंग को क्या करके क्या करके शेयर एक्वायर करके किसके सब्सिडी के सब्सिडी के शेयर एक्वायर करके जितना होल्डिंग को मिलेगा उससे क्या बोलते वैल्यू मैं होल्डिंग हूं मुझे क्या निकालना है इंट्रेंसिक वैल्यू मैं होल्डिंग हूं मुझे क्या निकालना है एंट्रेंसिक वैल्यू अब इंट्रेंसिक के लिए मैं क्या देखूंगा कितना मुझे मिलेगा किससे किससे सब्सिडी से बता मुझे सब्सिडरी का मुझे जरा सब्सिडरी मतलब बिपाशाह के, मतलब के में जाको सब्सिडरी मतलब बिपाशाह के मैं जाको बता मुझे सब्सिडरी से मुझे क्या क्या मिलेगा क्या सब्सिडरी का मुझे शेयर कैपिटल मिलेगा और क्या मिलेगा पीएनएल अरे मैं सब्सिडी कंपनी का मालिक हूं तुम सब्सिडी कंपनी हो तुम्हारे शेयर मेरे पास है ना मैं तुम्हारा शेयर होल्डर हूं मैं तुम्हारा क्या है मालिक हूं एज अ मालिक तुम्हारे शेयर कैपिटल मेरा है तुम्हारा पीएनएल मेरा है, पक्का इतना मुझे मिलेगा फिर से बताइए क्या क्या मिलेगा शेयर कैपिटल कितना एट लाख। फिर पीएनएल कितना दो लाख पक्का किसका है सब्सिडी का किसको मिलेगा मैं होल्डिंग कंपनी हूं हो। आपका शेयर कैपिटल मुझे मिला आपका पीएनएल मुझे मिला आठ और दो लाख मिला कितना दस लाख मैं जैसे दस लाख रुपए अपने जेब में डाल के निकल रहा था उसी वक्त कुछ लोगों ने आवाज दी सर कितने चल रहे सर कहां पे जा रहे हो बोलता भाई पार्टी करने जा रहा हूं दस लाख मिला अभी पार्टी करने जा रहा हूं बोले सर ये दस लाख रुपए आपके अकेले के नहीं है ये दस लाख बाकी लेके नहीं है बोलता क्यों भाई कौन है भाई तू मुझे रुकने वाला बोलता सर हम आपके है छोटे भाई हम आपके छोटे भाई सर आप बड़े भाई होंगे पर हम भी क्या है छोटे भाई अरे सर ये सब्सिडरी कंपनी के जैसे कुछ शेयर आपके पास है वैसे कुछ शेयर क्या है हमारे पास भी है ना तो बताओ सर सब्सिडरी कंपनी के अब कितने ओनर है दो कौन कौन है होल्डिंग और माइनॉरिटी तो सब्सिडी कंपनी के शेयर पे और पीएनएल पे पूरा का पूरा होल्डिंग का अधिकार है या थोड़ा माइनॉरिटी का भी है? पक्का किसका शेयर कैपिटल है सब्सिडी का किसका पीएनएल सब्सिडी पक्का बेटा जी सब्सिडी कंपनी के कितने मालिक है दो कुछ शेयर किसके पास है होल्डिंग मतलब आशा के पास कुछ शेयर किसके पास है तो सर ये शेयर कैपिटल और पीएनएल ये बटेगा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या रेशियो में बटेगा सेवेंटी एच टू थर्टी बराबर सॉरी सॉरी क्या रेशियो बटेगा सेवनटी फाइव एच टू ट्वेंटी फाइव झीपा क्या बेटा उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें बटेगा सबको समझा क्या बोलो सर सब मुझे बताओ सब्सिडी कंपनी का कितना शेयर कैपिटल है एट लाख कितना शेयर कैपिटल है एट लाख वो बटेगा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या रेशियो में सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बातो यार एट लाख का सेवन परसेंट छ लाख होल्डिंग को मिलेगा एट लाख का पच्चीस परसेंट वो किसको मिलेगा माइनॉरिटी को मिलेगा यस और नो सो दो लाख का सेवनटी फाइव परसेंट वो किसको मिलेगा होल्डिंग को दो लाख पच्चीस परसेंट वो किसको मिलेगा माइनॉरिटी को सबको झेपा क्या बेटा पक्का नहीं समझा बोलो सर कितना पैसा होल्डिंग को मिलेगा छह और एक कितना आएगा सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड पक्का कितना माइनॉरिटी को मिलेगा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड पक्का साढ़े सात लाख किसको मिले साढ़े सात लाख किसको मिले जो होल्डिंग को मिलेगा वो होल्डिंग के लिए क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू जो होल्डिंग को मिलेगा वो क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू और जो पैसा माइनॉरिटी होल्डर को मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या बोलते हैं सर तो नोट नंबर टू में क्या क्या बंटवारा नोट नंबर टू में क्या क्या बंटवारा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या क्या बांटा शेयर कैपिटल एन एल किस का सब्सिडी का किस में बांटा होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या रेशम बांटा सेवेंटी 25 ट्वेंटी फाइव होल्डिंग को कितना मिला सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड जो होल्डिंग को मिला वो है माइनॉरिटी सॉरी इंटरसिक वैल्यू और कितना माइनॉरिटी को मिला टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वो क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझा क्या कोई तकलीफ अब इसमें से सबसे पहले हम लोग पोस्ट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट मुझे बताया माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसका पैसा है माइनॉरिटी होल्डर का किसका पैसा है माइनॉरिटी होल्डर का अब मान लीजिए मान लीजिए ये ना होल्डिंग का स्टेक है किसका स्टेक है होल्डिंग का होल्डिंग को जो मिलेगा वो कौन है इंट्रेंसिक वैल्यू ये कौन है इंट्रेंसिक वैल्यू देख लो और ये किसको मिलेगा माइनॉरिटी को माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ये होल्डिंग को मिलेगा और ये माइनॉरिटी को अब क्या होता है मनोज जाता है मनोज कौन है माइनॉरिटी होल्डर जैसे मनोज को पता चला कि वो माइनॉरिटी होल्डर है और उसका इसके ऊपर अधिकार है ये कौन है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो मनुष्य क्या करता है आता है ये रिमोट लेता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेता है और अपने जेब में डाल के निकलता है मतलब भाई कहां पर जा रहे हैं बोला सर घर जा रहा हूं ठीक घर जा रहा भाई कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई तेरी जेब में क्या है बोला सर यह अपना पैसा है सर यह पैसा मेरा है मैं अपना पैसा लेके जा रहा हूं बोल नालायक ये तेरा पैसा है ये तेरा ही पैसा है लेके जा नहीं सकता अब उन कंपनी चला रहे हैं हर एक जन अपना अपना पैसा लेके निकल गया तो कंपनी डूब जाएगी ना बोले सर फिर तेरा पैसा है हा ना सर मेरा पैसा दो ना मुझे बेटा देख सुन मेरी बात मैं होल्डिंग हूं मैं तेरा बड़ा भाई हूं तू कौन है माइनॉरिटी तू कौन है छोटा भाई देख छोटे देख छोटे ये तेरा जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना इसको मैं संभाल कर रखेगा बात समझना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बना रहा है होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है होल्डिंग कंपनी अपने एसेट एसेट में उसके क्या किए ऐड होल्डिंग ने अपने लाइब्रिटी में उसकी लाइब्रिटी क्या की ऐड की पक्का नोट नंबर टू से क्या मिला इंट्रेंसिक वैल्यू और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जैसे ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी होल्डर लेके जा रहा था होल्डिंग कंपनी बोलेगी देख छोटे ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना ऐसे लेके जाने का नहीं रहता है तेरा पैसा मैं अपने पास रखेगा अपने पास मतलब होल्डिंग के पास रखेगा ये मेरी क्या होगी अमानत अब बताओ ये पैसा होल्डिंग अपने पास रख रहा है क्या अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लेकिन बताओ मैं कौन हूं मैं कौन हूँ होल्डिंग ये पैसा मैंने रखा है संभाल के बड़े मेरा पैसा है किसका पैसा है माइनॉरिटी का दूसरे का पैसा मैं अपने पास रख रहा हूं दूसरे का पैसा अपने पास रख रहा हूं मेरे को टेंशन है अरे पैसा दूसरे का मैं अपने पास रख रहा हूं तो ये मेरे क्या होगी

सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा ये इंटरेस्ट क्या होता है और कहाँ पे शो करते हैं और क्यों शो करते जितने बच्चे ऑनलाइन है सब बता दीजिए आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा फिर से बताइए माइनॉट इंटरेस्ट किसका पैसा है माइन होल्डर का रख कौन रहा है होल्डिंग वो होल्डिंग का खुद का पैसा है क्या उसके सर का है वो होल्डिंग की क्या है लाइब्रेटी होल्डिंग कंपनी उससे अपने लाइब्रेटी में रखेगा एज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक बार अभी तक आप फटाफट रिवाइज करते हैं सर हम लोग बना के आ रहे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शुरू का शेयर कैपिटल जनरेजर पीएनएल किसका लिया होल्डिंग का किसका नहीं सब्सिडी का पक्का फिर क्या वर्किंग नोट वन अरे कितने नोटे तीन कितने नोटे तीन नोट वन में क्या क्या प्रपोर्शन किस किस का होल्डिंग और माइनॉरिटी का कितना प्रपोर्शन है 74 25 ट्वेंटी फाइव इस क्वेश्चन में दी है कुछ समय ढूंढना पड़ेगा नोट नंबर टू में क्या करेंगे बटवारा नोट नंबर टू में क्या करेंगे बटवारा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या क्या बटेंगे शेयर कैपिटल और पीएनएल किसका सब्सिडी का किसका सब्सिडी का किस में बटेंगे होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या रेशम बांटेंगे जितना हिस्सा होल्डिंग को मिला आशा को मिला वो कोने वैल्यू yeah. और जितना मिला माइनॉरिटी को वो कोने माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो कहा जाएगा बैलेंस शीट लाइब्रिटी में पक्का अब बचता क्या इंट्रेंसिक वैल्यू वो जाएगा नोट नंबर तीन में सर नोट नंबर तीन में अब इंट्रेंसिक वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कौन हूं होल्डिंग कंपनी सर इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब क्या है? इतना पैसा मैंने दिया या इतना मिला है इंट्रेंसिक मतलब इतना पैसा मुझे मिला है अब क्या देखना है कितना पैसा मिला और कितना दिया कितना मिला और कितना दिया कितना मिला साढ़े सात लाख उसके लिए कुछ दिया क्या कह मैंने कहा से मिलेगा बैलेंस शीट में याद है क्या जितना पैसा होल्डिंग ने इन्वेस्ट किया ना जितना पैसा होल्डिंग ने इन्वेस्ट किया वही तो कौन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अरे सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करने के लिए होल्डिंग ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया क्या सर कितना पैसा इन्वेस्ट किया सात लाख वो कौन है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो हा या ना बोलो सर कितना पैसा दिया सात लाख कितना पैसा मिलेगा साढ़े सात लाख फिर से कितना पैसा दिया सात लाख कितना मिलेगा साढ़े सात लाख पक्का कितना डिफरेंस आ रहा है पचास हजार इससे हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट और लॉस है मिला कितना साढ़े सात लाख दिया कितना सात लाख ज्यादा मिला या कम मिला या फिर ऐसे बोलो आई फॉर इनकम सी फॉर कॉस्ट इनकम से कॉस्ट लेस करो प्रॉफिट आ रहा है क्या नेचर का रिव्यू ने है कैपिटल तो कैपिटल प्रॉफिट कहां पर जाएगा बैलेंस शीट लाइब्रेटी में बैलेंस शीट लाइब्रिटी में विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व लॉजिक याद आ रहा है क्या ये कैपिटल प्रॉफिट बैलेंस शीट आएगा तो अभी बैलेंस लाइब्रेटी में क्या लिखना है बच्चों कैपिटल रिजर्व लिखना है कितना बताइए इट अब हम टैली बैलेंस शीट चलो सर सबसे पहले सम करो एसेट का फटाफट पांच लाख अस्सी हजार सत्तर हजार ग्यारह लाख तीस हजार एक लाख चालीस हजार कमऑन सम करिए कितना आ रहा है 19 लाख 20 पक्का अब सर लाइब्रेटी का सम कीजिए 2 लाख 20,000, 2 लाख 50,000 ट्वेंटी थाउजेंड टू आ थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड कितना आ रहा है ट्वेंटी थाउजेंड टैली हो रहा है क्या शानदार बैलेंस शीट हमारी टैली होगी बहुत बढ़िया सबको समझा क्या कोई दिक्कत सबको रिकॉल हो रहा है एक बार फटाफट डिवाइस फटा करते हैं चलो मुझे आता हूं ये बेसिक समता या माइनॉरिटी का समता जब भी समता माइनॉरिटी का सबसे पहले क्या बनाएंगे बैलेंस शीट सबसे पहले क्या बनाएंगे बैलेंस शीट शुरू क्या करेंगे एसेड में एसेड एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फिर लाइबिट लाइबिटी एड एक्सेप्ट शेयर कैपिटल जनरेजर पीएनएल किसका लिया होल्डिंग का किसका नहीं किसका नहीं सब्सिडी का पक्का उसके बाद हम क्या बनाएंगे वर्किंग नोट अब नोट कितने दो या तीन नोट कितने आएंगे तीन सब लोग बोले जितने बच्चे ऑनलाइन है अब भी घर में चिल्लाएंगे अपने, अपने अपने घर में ठीक है ना घर पता चलना चाहिए तुम पढ़ाई करो ठीक है ना मोबाइल में कुछ गेम नहीं खेल रहे हो मोबाइल में कोई टाइम पास नहीं कर रहे हो तुम लेक्चर देख, देख रहे हो लगना चाहिए घर वालों को और अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी लगना चाहिए लड़का पढ़ता है करके ठीक है ना ओके चलो सर कितने नोट आएंगे तीन नोट वन में क्या आएगा प्रपोशन किसका होल्डिंग और माइनॉरिटी होल्डिंग और माइनॉरिटी नोट नंबर टू में क्या होगा बटवारा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या क्या बटेगा शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व एंड पीएनएल किसका किसका सब्सिडी का किस किस में बटेगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में उससे दो बातें मिलेंगी जो होल्डिंग को मिला वो क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू और जो माइनॉरिटी को मिला वो क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल बोला सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां कहा पर जाएगा बैलेंस शीट में टॉपिक क्लोज बचता क्या वैल्यू वो नोट नंबर में जाएगा कंपेयर किससे करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उससे क्या मिलेगा प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व और लॉस हुआ तो गुडविल ओके okay, इसे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी अब सब बच्चे ईमानदारी से बताएंगे क्या सबको समझा क्या बेटा

चलो हो गया सब वेरी गुड लाइक सब्सक्राइब शेयर घंटे दबा के सब कुछ हो गया क्या झाला झाला ठीक है ना झाला झाला ठीक है ना ओके वेरी गुड ठीक है ना चलो बहुत सही से सोच में आ रहा है वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है सर आगे बढ़ना चलेगा अब एक काम करो उसके पहले फटाफट एक काम करो इसका एक फोटो निकाल एक बार इसको लिखने का टाइम नहीं करेंगे फोटो निकालेंगे इस क्वेश्चन का फोटो स्क्रीनशॉट जोर करना है कीजिए और इसको आराम से जब भी टाइम मिलेगा लिख लीजिए उसको मतलब आज रात को लिखना है डन हो गया अब सर इसका फोटो लीजिए होमवर्क अभी नहीं मेरे भाई एक दो दिन के बाद रुक रुक जा रुक जा, रुक जा सब मिलेगा सब मिलेगा होमवर्क घर मिलेगा पक्का मिलेगा ओके okay, अभी तो बेसिक चल रहा है अपना चलो सर क्वेश्चन फोर सबको के रे बेटा yeah. बोल ना ओके yeah. okay. अब सर इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव सर क्वेश्चन फाइव में कंसेप्ट आ रहा है रीवैल्युएशन ऑफ एसेट का क्वेश्चन फाइव में कंसेप्ट आ रहा है रीवैल्युएशन ऑफ एसेट का ओके okay. अब सबको एक बार पढ़ लेते चलो अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे क्वेश्चन फाइव को एकदम शांति से अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन फाइव को तो अमाउंट हिल गया थोड़े से इसमें बच्चा हिल गया एक बार साथ में पता चलेगा क्या देखो क्या बोला है पे एच और एस दो कंपनी सबसे पहले एसेड में देखो सबसे पहले क्या दिया, दिया संडरी एसेट कितना फाइव लैख नाइन्टी वन थाउजेंड और थ्री लैख एटीन थाउजेंड सर यह कौन है संडरी एसेट है बाद में क्या है इन्वेस्टमेंट अब ध्यान सुनना किसने इन्वेस्ट किया एच के किसके शेयर्स में फिर चलो किसने इन्वेस्ट किया एच ने किसके शेयर में यार H ने S के कितने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया 1600 सो शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया अब मुझे बच्चों अगर H ने, अगर ने शेयर एक्वायर किए तो एच को ने होल्डिंग एच को ने होल्डिंग किसके शेयर एक्वायर किए मतलब सब्सिडी कंपनी के बड़े झोल यार एच ने एस के कितने शेयर अक्वर के? बताना H ने S के कितने शेयर अक्वर के? 1000 सिक्कड़ एक शेयर था कितने का? 100 रुपए शेयर था कितने का? 100 रुपए का तो मुझे H बता H ने S के शेयर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 160000 फिर से बताओ H ने S के शेयर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 160000 बोलो हाँ या ना अब जरा मुझे बताओ लेकिन यहां पे अमाउंट क्या दिख रहा है? रहे है, है ना ऐसे कैसे क्या कितने शेयर के सोलह सौ सो शेयर एक सौ था कितने का सौ रुपए इन्वेस्ट तो एक लाख साठ होना चाहिए ना तो दो लाख चौबीस का कैसे क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं रिवल्यूशन क्या सुनो लिसन लिसन टू तो लिसन टू तो मी मुझे सौ रुपए शेयर इसके लिए क्या है हंड्रेड रुपीज शेयर की क्या है फेस वैल्यू शेयर पे जो कीमत छपाई वो क्या होता है फेस वैल्यू पर मान लीजिए मान लीजिए इस बोतल पे कीमत छपाई सौ रुपए पर कीमत छपाई सौ रुपए इसका फेस वैल्यू आपको बोतल खरीदने का है बोतल खरीदने का है कितने में खरीदोगे सौ रुपए क्यों कीमत छपी हुई सपोज मेरे को बोतल सौ बेचनी करनी है मैं बोलता बच्चों ये बॉटल आपको लेना है तो आप ले सकते हो वन फिफ्टी रुपीज में लेना लो, ले तो लो नहीं तो निकलो यहां से आपको भयंकर पैसा लगी है। क्या करोगे लेना पड़ेगा कितने लोगे सो या वन फिफ्टी में सब कीमत छपी सौ रुपए में मेरी मर्जी 100 की बॉटल मैं सौ में बेचू या एक सौ बीस में बेचू या वन फिफ्टी मेरी मर्जी ना तो वैसे ही बेटा जरूरी है क्या कि सो का शेयर तुम सो में ही लोगे अरे हो सकता है हंड्रेड का शेयर आप ले सकते हो उसी दाम में या फिर उससे ज्यादा दाम में ले सकते हो तो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड शेयर का क्या है फेस वैल्यू इट इज नॉट नेसेसरी के फेस वैल्यू के शेयर उसी दाम में लोगे जो शेयर लिए उनका फेस वैल्यू था कितना वन सिक्सटी थाउजेंड बट उन शेयर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया दो लाख चौबीस साल उतना पैसा क्या क्या इन्वेस्ट किया मतलब वो शेयर आपने चौबीस साल रुपए में आपने खरीदे समझा क्या बेटा कंफ्यूज होने का नहीं है सबको समझा कर बच्चों कोई तकलीफ यार यहां तक सबको अंडरस्टैंड हो रहा है क्या क्या गोहेड़ तो लाइब्रेटी सर लाइब्रेटी में सबसे पहले क्या दिया दोनों का दिया शेयर कैपिटल एक शेयर कितने का सर जी सौ रुपए एक शेयर कितने का है सौ रुपए का होल्डिंग का कितना शेयर कैपिटल है छह लाख सब्सिडी का कितना शेयर कैपिटल है दो लाख ये दोनों का दिए शेयर कैपिटल सब बाद में क्या दिया जनरल रिजर्व दिया बाद में सर दोनों का क्या दिया पी एन एल दिए और बाद में ये दिए क्रेडिटर्स सर ये क्या दिए क्रेडिटर और ये सब टोटल है समझा क्या बच्चों कोई दिक्कत यार सबको समझा क्या अब सुनो मुझे बताओ इस समय होल्डिंग कंपनी को सब्सिडी को जरा सब्सिडी मतलब एस की बैलेंस शीट देखो एस एसकी बैलेंस शीट आप बताओ सब्सिडी कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल है अरे बोलो सर सब्सिडी कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल है दो लाख अरे एक शेयर कितने का है सौ रुपए का फिर से बताओ सब्सिडी कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल है दो लाख का एक शेयर कितने का है सर सौ रुपए में अगर एक शेयर आता है सौ रुपए में क्या आता है एक शेयर आता है तो दो लाख में कितने शेयर आएंगे दो हजार शेयर फिर से हंड्रेड रुपीज में अगर एक शेयर आता है तो दो लाख में कितने शेयर आएंगे दो हजार शेयर बोला या ना सर सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर है दो हजार शेयर सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर है दो हजार शेयर 2000 में से 1600 सो शेयर किसने के होल्डिंग ने बोलो हा या ना फिर से बताए सब्सिडी सबका ध्यान बैठा एक एक अमाउंट एक एक नंबर समझ में आ रहा है क्या मैं बहुत आराम से बता पूरा फोकस पर सर सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर थे 2000 थे कितने शेयर होल्डिंग ने एक्वा सोलह सो शेयर वॉट अबाउट रिमेनिंग चार शेयर बाकी 400 शेयर जिनके पास है वो कौन है माइनॉरिटी होल्डर दोबारा बताएंगे सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर थे 2000 में से कितने शेयर होल्डिंग ने लिए 1600 2000 में से 1600 मतलब क्या ना से 80 परसेंट शेयर होल्डिंग ने लिए सबको परसेंट निकाल आता है क्या अगर 80 परसेंट शेयर होल्डिंग ने लिए तो 20 परसेंट किसने लिए माइनॉरिटी होल्डर ये दोनों का आपने प्रपोर्शन निकाला कोई दिक्कत यार पक्का शोली कोई कंफ्यूजन सर कल का जो लेक्चर था बेटा जी उसमें एक बच्ची बार बार स्पैम कर रही थी बोले सर आप बताइए ये होल्डिंग और माइन होल्डिंग का प्रपोशन कैसे निकालता है अभी समझ में आ रहा yeah. But, है क्या बेटा हमेशा यादव के हमारे चीज के समय होते मैं हर चीज बताऊंगा लेकिन सही समय आने के बाद कल के समय बेटा प्रपोर्शन था नहीं तो कहा से बताता ना हमें प्रपोर्शन है बता सकता हूं मैं ऐसा नो कोई लिखे बेटा जी कितना से प्रपोर्शन है एटी और बेटा क्या है ट्वेंटी कैन आई पक्का ओके सर अब बैलेंस शीट के नीचे एच मतलब होल्डिंग ने सब्सिडी के शेयर एक्वायर किए कितने शेयर एक्वायर किए 1600 शेयर शेयर बोले फिर 80 परसेंट शेयर एक्वायर कब किए 30 जून 2008 अभी तो बच्चों डेट से इतना फर्क नहीं पड़ता है डेट वाले से हम आगे आएंगे कुछ दिनों के बाद आएंगे तो उसमें डेट को भी इंपैक्ट पड़ेगा अब यहां पर नई चीज है प्लैंट वर्थ बुक वैल्यू ऑफ सिक्स प्लांट वर्थ बुक वैल्यू ऑफ सिक्स इनक्लूडेड इन देंड्री एसे टॉप एस वॉज री fifty thousand on this date. On this date मतलब on the date of acquisition किस दिन शेयर एक्वायर किए तीस जून किसनेक्वायर किए? एक काम करो बेटा एक बार स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लो पढ़ लो स्टेटमेंट को फिर मीनिंग समझाता हूँ क्या बोला था क्या एस मतलब सब्सिडरी के बुक में एस मतलब सब्सिडरी के बुक में जो सेंड्री एसेट है एस मतलब सब्सिडरी के बुक में जो सेंड्री एसेट है उसमें सिक्सटी थाउजेंड का ऐसा सेंड्री एसेट है मैं दोबारा बता रहा हूं एस मतलब सब्सिडरी के सेंड्री एसेट में सिक्सटी थाउजेंड का ऐसा सेंड्री एसेट है जिसका क्या किया रिवेल्यूशन हुआ क्या पता है क्या तीस जून को मान लो सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी जून 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 को 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 मैं 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 आता आता और आपके मैंने शेयर एक्वायर किया कब के? 30 को. अब आपका मालिक बन गया जैसे मैं आपका मालिक बन गया तो मैंने क्या किया आपके एसेट में झाका मैं आपका मालिक बन गया आपके एसेट में झाका मुझे पता चला आपके एसेट में एक ऐसा एसेट है जिसका बुक में कीमत कितना है साठ हजार आपके बुक में आपके बैलेंस शीट में कीमत कितना है साठ हजार मुझे पता चलता है अब ये एसेड छपरी हो चुका है अब इसका कीमत कम हो चुका है अब ये एसेड पुराना हो चुका है इसका कीमत कम हो चुका है तो पहले बुक में जिसका कीमत कितना था सिक्सटी थाउजेंड अब उसका कीमत मैंने कितना किया है फिफ्टी किया है तो क्या मैंने एसेट का रिवेल्यूशन किया क्या बोला हा या ना रिवेल्यूशन करने से प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है तो सर समझना अगर रीवैल्यूएशन करने से एसेट का प्राइस बढ़ता है तो उसे हम लोग बोलते प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन करने से एसेट का वैल्यू क्या होता है कम होता है तुम्हारे एसेट का कीमत कम होना मान लीजिए तुमने मोबाइल लिया था मोबाइल छोड़ दो मान लो तुमने था क्या एक घर लिया था दस लाख में घर दस लाख में लिया था अब घर का कीमत हो गया बारह लाख घर कीमत क्या हो गया बारह लाख एसेट का कीमत बढ़ गया अच्छी बात है बुरी बात है ये आपको क्या हो गया प्रॉफिट घर लिया था है दस लाख में कीमत हो गया नौ लाख बढ़ गया कम हो गया तो ये आपके लिए क्या है लॉस तो, तो सर से एसेट का कीमत बढ़ता है तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्युएशन और रीवैल्युएशन अगर एसेट री का कीमत क्या होता है कम उसे बोलते हैं लॉस ऑन रिवैल्युएशन समझा क्या बेटा तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्युएशन ये नया कॉन्सेप्ट अब तक के समय नहीं था देखो बच्चों जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों हर क्वेश्चन में बेटा मैंने एक दो नई नई बातें बेटा ऐड किए तो आपको हर सम में तो कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा तो सम किसका बच्चों देखो प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्युएशन सुनना मेरी बात बोले सुनना ये तुरंत बेटा समझेगा धीरे धीरे तो आपको समझेगा जब भी रिवैल्युएशन में होगा प्रॉफिट या लॉस कॉल्ड ज एडजस्टमेंट दिस कॉल्ड एज एडजस्टमेंट या देखिए ऐसा कहा जाता है एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेट एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेट वैसे ही रिवेल्यूशन में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो यह भी एडजस्टमेंट है इसके आएंगे दो फेड इसके सर क्या आएंगे दो फेड प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवेल्यूशन के कितने फेट आएंगे पक्का तो बात समझना अगर रीवैल्यूएशन करने से हमें क्या आता है प्रॉफिट बात समझना अगर रीवैल्यूएशन करने से हमें क्या आता है प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ एसेट का कीमत बढ़ रहा है कम हो रहा है तो पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट में पहले इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ तो एसेट में क्या करेंगे एड और लॉस हुआ तो क्या करेंगे लेस बताओ सर प्रॉफिट और लॉस में कितने फट आएंगे दो पहला बेटा ठीक है, है? चिंता मत कर सब बाद में अच्छे से आपको लिखवा के दूंगा अब मैंने बेसिक बताया जैसे बेटा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाएगा सबका मीनिंग समझा सबको एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं बेटा जी बोलो सर कितने कंपनी कौन कौन से एच और एस दो कंपनी फिर से बोलो कितने कंपनी दो कौन कौन से एच और एस एच कौन है होल्डिंग एस कौन है एच ने सब्सिडी मतलब एस के कितने शेयर वर्ग के एस के दो हजार शेयर में से एच ने कितने लिए वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मतलब एटी परसेंट शेयर किसने अकबर के होल्डिंग ने बाकी ट्वेंटी परसेंट किसने अकबर के माइनॉरिटी ने मेरा पहला सवाल है ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है या माइनॉरिटी का तो नोट कितने आएंगे दो या तीन दूसरा सवाल ये सब प्योरली माइनॉरिटी का है या यहां पे कोई एडजस्टमेंट है किसके एडजस्टमेंट है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन जब भी रिवोल्यूशन में प्रॉफिट होगा गया फिर लॉस होगा कितने फटाएंगे दो पहला एसेट में क्या होगा एड नहीं तो लेस दूसरा वर्किंग नोट नंबर टू में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी जितने बच्चे ऑनलाइन है क्या सब मेरे साथ है क्या बता बच्चों फिजिकली मेंटली सब मेरे साथ है क्या और फटाफट मुझे कमेंट करके बता देंगे क्या आपको अभी तक जितना मेरे सम का मीनिंग समझाया आपको मीनिंग समझा क्या बोलो

सर को क्या बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सर उसमें दो चीजें पहला सर कौन आएगा एसेड दूसरा सर जी लाइबिटी बोलो भाई साहब सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे एसेड मुझे नहीं पता बोलो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे एसेड से पक्का ओके okay. सर सबसे पहले सब क्या करेंगे सर देखो एसेट में एसेट क्या के एड सबसे पहले सर क्या करेंगे एसेट में एसेट क्या करेंगे एड पक्का एसेट में एसेट क्या करेंगे एड एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट एसेट में एसेट एक्सेप्ट क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट बोलो सर जी सबसे पहले एसेट में कौन है सेंड्री एसेट है सर होल्डिंग कंपनी क्या करेगी अपने सेंड्री एसेट में सब्सिडी का सेंड्री एसेट क्या करेगी एड बताओ सर जी होल्डिंग के पास कितना सेंड्री एसेट है उजेंड और सब्सिडरी के पास फिर से बताओ होल्डिंग के पास कितना सेंडरी एसेट है फाइव लैक नाइनटी वन थाउजेंड सब्सिडरी के पास पक्का तो होल्डिंग क्या करेगी सॉरी क्या, करे, क्या करेगी अपने एसेट में इस कैसेट क्या करेगी एड कितना नाइन लैख नाइन लैख नाइन थाउजेंड सबको समझा क्या बेटा सबने क्या क्या एसेड में एसेड क्या किया एड एक्सेप्ट सर एसेड में नेक्स्ट कौन है इन्वेस्टमेंट वो लेना है क्या बेटा इन्वेस्टमेंट so नहीं लेना है कोई दिक्कत क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट कोई तकलीफ हो क्या अब जाएंगे लाइबिटी शेयर कैपिटल जनरजर पी एन एल किसका होल्डिंग का किसका नहीं सब्सिडी का अब बताओ सर सबसे पहले कौन आएगा सबसे पहले कौन आएगा सर शेयर कैपिटल किसका लेंगे होल्डिंग का कितना रे बच्चों छह लाख कितना आएगा छ लाख अरे सॉरी सॉरी एक चीज रहेगी बेटा आपने इससे समय एडजस्टमेंट था ना बेटा सॉरी 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 बेटा मुझे एडजस्टमेंट कौन था प्रॉफिट और लॉस और रिवेल्यूशन अब बताओ किसके एसेट का रिवेल्यूशन एस मतलब सब्सिडरी के सेंडरी एसेट में एक सिक्सटी थाउजेंड का प्लांट था देखो क्या बोला है? प्लान वर्थ बुक वैल्यू ऑफ सिक्स थाउजेंड इंक्लूडेड इन देंड्री एसेट ऑफ एस एस मतलब सब्सिडी के बैलेंस शीट में उसके एसेट में एक साठ हजार का प्लान था अब उसका वैल्यू कितना क्या है पचास हजार मेरा सवाल है प्लान था कितना सिक्सटी थाउजेंड वैल्यू कितना क्या है फिफ्टी थाउजेंड वैल्यू बढ़ाया या कम क्या है तो सर मुझे तो री से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑन रिवैल्युएशन प्रॉब्लम ऑफ कौन है आप बताइए जब भी रिवैल्युएशन में क्या होगा लॉस रेलुएशन में क्या होगा लॉस कितने फिट आएंगे पहले फिट क्या होगा एसेट में क्या होगा लेस अरे कॉमन सेंस की बात है रीवैल्युएशन क्या एसेड की कीमत बढ़ी है कम होगी कितने कम हो गए स क्या करेंगे लेस अब लिखने का तरीका देखो बच्चों बैलेंस शीट एसेड में यहां से हम लेस करेंगे क्या लेस करेंगे लॉस ऑन रिवेल्यूएशन बेटा मेरे पास अभी स्पेस कम है से छोटे अक्षर में लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा है बेटा जी कितना लॉस हुआ बच्चों दस हजार का क्या हुआ है लॉस हुआ है उसे क्या करेंगे लेस प्रॉफिट हुआ तो एसेड में क्या होगा एड लॉस हुआ एसेड, हुआ। एसेड क्या होगा लेस आपको समझा क्या ये टेन थाउजेंड का फिगर कहां से आया बुक वैल्यू था कितना सिक्सटी थाउजेंड कितना क्या फिफ्टी कितने से कम हो गया टेन थाउजेंड वही तो लॉस और रिवल्यूशन लॉस से एसेट का कीमत बढ़ेगा कम हो जाएगा कम लॉस से क्या होगा कम इसके लिए क्या क्या लेस क्या करो बच्चा लोग फाइव लाख नाइन्टी वन थाउजेंड प्लस थ्री लाख एटीन थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड कितना आएगा एट लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड सबको समझा क्या बेटा जी ये हमने क्या बनाया बच्चों एसेट हो गया क्या अब हम कहा जाएंगे लाइब्रिटी में सबसे पहले क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल किसका लिखा होल्डिंग का फिर कौन बताइए जनरल रिजर्व किसका लिखना है होल्डिंग का जनरल रिजर्व किसका सर जी होल्डिंग का बोलो सर होल्डिंग के पास कितना रिजर्व है कितना है सिक्सटी थाउजेंड शेयर कैपिटल लिखा होल्डिंग का रिजर्व लिखा होल्डिंग का नेक्स्ट कौन है पीएनएल किसका लिखना है होल्डिंग का कितना आएगा एटी थाउजेंड सब पीएनएल किसका आएगा होल्डिंग का कितना आएगा एटी थाउजेंड नेक्स्ट कौन है बताइए सेंडरी क्रेडिटर क्रेडिट किसका लिखना है होल्डिंग का सबसे दोनों का दोनों का ना सिर्फ शेयर कैपिटल रिजर्व पीएनएल किसका लिखा होल्डिंग का बाकी क्रेडिटर दोनों का ना होल्डिंग के पास कितना क्रेडिटर है सेवनटी फाइव थाउजेंड सबसे कितना है बोलो सर होल्डिंग के पास कितना क्रेडिटर है सेवेंटी फाइव थाउजेंड होल्डिंग सबसे पहले कितना है फोर्टी एट कितना सम आएगा वन लैख ट्वेंटी करेक्ट है बेटा जी कोई दिक्कत नहीं समझा सबसे पहले क्या क्या एसेड मैसेड एड लाइब्रिटी लाइबिटी एड कोई दिक्कत अब हम लोग क्या बनाएंगे वर्किंग नोट सर अब हम लोग क्या बनाएंगे वर्किंग नोट आप बताइए नोट कितने आएंगे नोट कितने आएंगे दो या फिर तीन सर नोट कितने आएंगे तीन सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर वन में नोट नंबर वन में क्या करेंगे प्रपोर्शन सर नोट वन में क्या आएगा प्रपोर्शन किस किस का प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड प्रपोर्शन ऑफ माइनॉरिटी होल्डर यहां पे प्रपोर्शन निकालना या दिया है? निकाला है पिछले क्वेश्चन प्रपोर्शन दिया था सेवेंटी फोर ट्वेंटी फाइव यहां पर निकालना पड़ेगा कैसे करेंगे देखो सर सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर नंबर ऑफ शेयर याद है क्या सौ रुपए का एक शेयर दो लाख में कितने आएंगे दो हजार के दो हजार शेयर थे उसमें से कितने होल्डिंग नेक्वायर के सोलह सो फिर सर सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर थे दो हजार कितने होल्डिंग ने के सोलह सो मतलब कितना परसेंट एटी परसेंट ये होल्डिंग ने एक्वायर किया हा या ना तो बाकी ट्वेंटी परसेंट किसके पास है माइनॉरिटी होल्डर के पास कोई दिक्कत यार सर नोट नंबर टू में क्या होगा बटवारा नोट नंबर टू में क्या होगा बंटवारा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में नोट नंबर टू में क्या होगा बंटवारा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में क्या रेशियो में एटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट क्या क्या बटेगा क्या क्या बटेगा शेयर कैपिटल फिर जनरल रिजर्व फिर पीएनएल किसका बटेगा किसका बटेगा सब्सिडी का बोलो सर सब्सिडी की बैलेंस शीट देखो सब्सिडी के पास कितना शेयर कैपिटल है दो लाख ,00 कितना रिजर्व है चालीस हजार कितना पीएनएल है तो सब्सिडी के पास कितना शेयर कैपिटल है दो लाख कितना रिजर्व है फोर्टी थाउजेंड कितना पीएनएल है थर्टी थाउजेंड यह बटेगा किस किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में अब रुक जाओ जैसे ही जैसे ही हम शेयर कैपिटल रिजर्व पीएनएल बांटने वाले थे। किसका सब्सिडी का किस में होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांटने वाले थे उसी टाइम पे सब्सिडी कंपनी को याद आता है सब्सिडी को याद आता है यार ये होल्डिंग और माइनॉरिटी होल्डिंग और माइनॉरिटी अपने आप को मेरे ओनर बोलते सब्सिडी कंपनी सोचती है कौन सोच रहा है सब्सिडी कंपनी बोलती है ये होल्डिंग और माइनॉरिटी अपने आप को मेरे ओनर बोलते हैं और ओनर क्या करे पता है क्या मेरा शेयर कैपिटल खुद बांट के ले रहे मेरा रिजर्व खुद बांट के ले रहे मेरा पीएनएल खुद बांट के ले रहे तो सब्सिडी कंपनी बोलते देख भाई दोष वो है जो सुख में भी साथ देख और गम में भी साथ दे देखे बेटा तो अगर तुम मेरे मालिक हो अगर तुम मेरे मालिक हो कौन होल्डिंग और माइनॉरिटी अगर तुम मेरे मालिक हो अगर शेयर कैपिटल तुमको चाहिए अगर मेरा रिज़र्व तुमको चाहिए अगर मेरा प्रॉफिट तुमको चाहिए तो मेरा लॉस भी आपको बांट के लेना पड़ेगा जैसे मेरा तुम प्रॉफिट ले रहे हो मेरा लॉस भी बांट लेना पड़ेगा हम पूछेंगे सब्सिडी कंपनी को हे hey, सब्सिडी कंपनी तुझे किधर लॉस हुआ है तो सब्सिडी कंपनी बोलेगी तुमको क्या बताओ सब्सिडी क्या बोल रही मेरे पास एक मशीन था कीमत कितना सिक्सटी थाउजेंड अभी अभी जस्ट ताजा ताजा रिवेल्युएशन क्या रिवेल्युएशन करने से साठ हजार का कीमत कितना हो गया पचास हजार कीमत बढ़ गया कम हो गया कम हो गया तब मुझे क्या हो गया लॉस हुआ अरे सीधा सीधा साठ का पचास धड़क से प्राइस गिर गया तो मुझे क्या हो रहा है लॉस ये मेरे लिए कौन है लॉस ऑन रिवैल्युएशन तो भाई साहब अगर तुम मेरे ओनर हो मेरा प्रॉफिट तुम बांट के लोगे तो मेरा लॉस भी आपको सहन करना पड़ेगा समझा क्या बेटा नहीं समझा अरे कल का शोले बेटा तो, तो फिर मुझे बताओ लॉस ऑन रिवल्यूशन के कितने फिट हो गए दो अब क्लिक हो रहा है क्या पहले फिट क्या क्या बैलेंस शीट एसेट में एड या लेस पहले बैलेंस शीट एसेट में एड या लेस प्रॉफिट होगा तो एड लॉस होगा तो लेस और सेकेंड फिट पे गया बेटा वर्किंग नोट नंबर टू में समझा क्या क्लिक हो रहा है जिनको हल्का सा भी कंफ्यूज चिंता मत के तो पहला समय बेटा जी इसके आगे आगे के ऑलमोस्ट हर सम में ये सारे जब बार बार पढ़ेंगे तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा अब बंटवारा करू क्या अरे बोलो ना पहले बांटो शेयर कैपिटल बांटो 80 और 20 के रेशियो में बोलो कितना आएगा टू लैख का एट्टी परसेंट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड टू लैख और ट्वेंटी परसेंट फिर बोलो चालीस हजार का एट्टी परसेंट थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट चालीस का सॉरी तीस हजार का एट्टी परसेंट सब लोग कैलसी पे कर रहे क्या 30 20 परसेंट, अब कितना है या माइनस ये ब्रैकेट मतलब क्या है लॉस है। का समझा क्या ब्रैकेट या ना ये पैसा किस किस को देंगे सर जी होल्डिंग और माइनॉरिटी को करो सर एक लाख साठ हजार बत्तीस हजार चौबीस हजार और माइनस आठ हो माइनस है कितना आएगा दो लाख इतना पैसा किसको मिल रहा है होल्डिंग को जो होल्डिंग को मिलेगा उससे क्या बोलते इंट्रेंसिक वैल्यू जो होल्डिंग को मिला वो क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू और बताओ सर कितना पैसा मिलेगा माइनॉरिटी को चालीस हजार आठ हजार प्लस छ माइनस दो ना दो माइनस कितना आएगा फिफ्टी टू थाउजेंड किस मिला माइनॉरिटी वो कोने माइनॉरिटी इंटरेस्ट फटाफट बताओ नोट नंबर टू में क्या क्या बंटवारा क्या क्या बांटा शेयर कैपिटल रिजर्व पीएनएल एंड लॉस ऑन किस में बांटा होल्डिंग और माइनॉरिटी कितनी बातें मिली दो जो होल्डिंग को मिला वो इंट्रेंसी वैल्यू जो माइनॉरिटी को मिला माइनर सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां पे आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो बैलेंस शीट लाइबिलिटी में कितना रे बच्चों 52,000 टू थाउजेंड बोलो हाई आना अब क्या बचता है इंट्रेंसिक वैल्यू वो जाएगा नोट नंबर तीन में सर नोट नंबर तीन में आप क्या करेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू कंपेयर किससे करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटरसिक वैल्यू कंपेयर किससे करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन बोल हाया ना अरे बोलो सर कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है टू लैक एट थाउजेंड कंपेयर किससे किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां से मिला बैलेंस शीट एसेट्स है ना जितना पैसा इन्वेस्ट किया कितना इन्वेस्ट किया दो लाख चौबीस हजार अरे दो लाख चौबीस हजार इन्वेस्ट किया बोलो या शेयर को एक्वायर करने के लिए दो लाख चौबीस जितना पैसा इन्वेस्ट किया वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉस हो रहा है इनकम मिला दो लाख आठ हजार का कॉस्ट कितना है दो लाख चौबीस हजार इनकम के कंपेयर में कॉस्ट ज्यादा है तो क्या रहा है लॉस लॉस हो रहा है क्या अरे स्पीड ठीक है क्या लॉस हो रहा है तो क्या बोलेंगे गुडविल लॉस है तो क्या होगा गुडविल और गुडविल जाएगा बैलेंस शीट एसेट में गुडविल गया बैलेंस शीट एसेट में अब सब बच्चे टैली करेंगे बैलेंस शीट करो सर बैलेंस शीट एसेट का सम करो नाइन लैख फिफ्टीन थाउजेंड अब सर बैलेंस शीट लाइब्रेटी का सम करो छह लाख सिक्सटी थाउजेंड एटी थाउजेंड लाख तेईस हजार और बावन हजार सेम आ रहा है क्या शानदार इसका मतलब अपना सम क्या हो गया टैली हो गया मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूं कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा घर में जाके पक्का बेटा शोले कल इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे सारा फंडा क्लियर हो जाएगा अब फटाफट अब इसका फोटो निकल क्वेश्चन फाइव का सॉल्यूशन का सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है करे बच्चों मजा आ रहा है चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बस रेगुलर रहो सिंसियर रहो लेक्चर मिस मत करना डन 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 चलो हो गया चलो सर आज के लिए अपन यही पर रुकते बाकी अपन लोग कल करेंगे चलेगा और सुनो भाई साहब सुनो भाई साहब यहां पे देखना ये जो क्वेश्चन है बेटा जी राइट ना सुनो बच्चों इसमें से ना बेटा सुनो ये जो सॉरी अपन जो लेक्चर देख रहे बच्चों बच्चों इसमें से ना बेटा जी देखो सिर्फ कल का जो लेक्चर है वहां तक तो पब्लिक रहेगा उसके बाद पहले पहले तीन लेक्चर क्या होंगे पब्लिक बाद में सारे बच्चों लेक्चर क्या होंगे प्राइवेट होंगे तो प्लीज लाइव के बारे में बोलना मत प्राइवेट तो परमानेंटली प्राइवेट है पहले बता रहा मैं आपको ऐसे नहीं कैसे कुछली प्राइवेट है अगर देखना होगा तो ओके okay? चलो टाटा बाय बायकम चलो बाकी जो बच्चे अच्छा लगा क्या रहे? चलो बेटा बाकी लेक्चर समझा नहीं समझा कमेंट बता दीजिए आपको जो भी लगा अच्छा लगा बोला बता दीजिए तो आइडिया अपने